सब्सक्राइब कीजिए एबी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एबी गुरुजी चैनल में और लेकर आपके लिए जुलाई 2018 में हुए नेट के एग्जाम में कॉमर्स सब्जेक्ट के आंसर की का पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ खास बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसे में उनको एडवाइस दी जाती है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉमर्स को लेके कोई भी टॉपिक हो वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, या अगर वो टॉपिक आपको इस चैनल पे देखने को नहीं मिलता है तो वो जल्दी ही आपको इस चैनल पे देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो या आप चाहते हो कि ये टॉपिक पहले अपलोड कर दिया जाए, तो उसके लिए भी आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, इस चैनल पे आपको नेट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होता है या नेट के एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी चेंज है, तो ऐसे में वो सब भी आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। तो इसलिए भी ये आप लोगों के लिए खास है, ताकि आप अपने आप को अपडेट रख सकें किसी भी चेंज के लिए, किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही आपके लिए और मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरे लिए मोटिवेशनल रहेगा वीडियोस को जल्दी से जल्दी बनाना और बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए पेश करना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आंसर की को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आंसर की में पार्ट 2 है, पार्ट 1 जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो पार्ट 1 सबसे पहले देख लें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप पार्ट 1 को देख लीजिए। जो भी पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं वो सब के सब मैं आपको पार्ट 2 में करवा रहा हूँ। ऐसे में दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको किसी भी क्वेश्चन की जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन थे, ऐसे में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक तो मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए थे। पार्ट 2 के अंदर अगर मैं 75 क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, ऐसे में उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे में इस वीडियो का अपने खास मोटिव ये रखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी दूं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले बता दिया था पार्ट 1 में। यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर हमारे पास में आएगा दूसरा नंबर, द कंट्री मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर इधर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद दोस्तों, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा 4 नंबर पे, मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बाय द पब्लिक सेक्टर। उसके बाद दोस्तों, 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में आएगा द रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसके बाद दोस्तों, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास 1 नंबर आएगा, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और 6वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में 2 नंबर आएगा, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी रोल इन कंज्यूमर प्रोडक्शन एज इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलोन। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें दोस्तों हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, यानी कि 1 नंबर। उसके बाद दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन है जो उसका आंसर हमारे पास आएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि 1 नंबर। उसके बाद में दोस्तों, 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास 1 नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों, 11वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास 3रा नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों, 12वां 13वां क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। अब हम मूव करते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यहाँ पे जो 14वां क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में आएगा 3 नंबर, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। उसके बाद दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास 3 नंबर आएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद दोस्तों, 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट मेरे पुराने सब्सक्राइबर रहे हुए हैं उन स्टूडेंट्स को मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बताया था कि प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप उनको जरूर जरूर करके जाइए। ऐसे में जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जनवरी 2017 में हमारे पास यही का यही सेम क्वेश्चन आया हुआ था पेपर 2 में, क्वेश्चन नंबर था 12। ऐसे में दोस्तों, जिन्होंने पुराने पेपर को किया था उनके लिए बड़ा ही इजी था इस क्वेश्चन का आंसर देना। यहाँ पे दोस्तों, इसका जो आंसर आएगा वो 2 नंबर पे आएगा, यानी कि less than 1 के सामने जो है चेंज इन प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज, और चेंज इन रिवेन्यू में आएगा डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो इस तरीके से दोस्तों, 16 का जो आंसर होगा वो होगा 2। उसके बाद दोस्तों, 17 नंबर का जो आंसर है हमारे पास वो आएगा 2रा नंबर, इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉनकेव टू द ओरिजिन।
उसके बाद दोस्तों 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास एक नंबर आएगा, यानी कि ए एंड बी स्टेटमेंट। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन, जिसका आगे आंसर हमारे पास है 3 नंबर, यानी कि 2 3 4 1। उसके बाद दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका कि आंसर हमारे पास में आएगा गोइंग रेट प्राइसिंग। और 21वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा एम आर इज इक्वल टू एम सी। उसके बाद दोस्तों 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा ऑर्डिनल डाटा। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, उसका आंसर आएगा हमारे पास तीसरा नंबर ओजी। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा एक्सक्लूसिव क्लास। 25 नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 26 का आंसर हमारे पास एक नंबर आएगा, यानी कि 4 3 1 2। और 27 नंबर जो है उसका आंसर हमारे पास आएगा चौथे नंबर पर, यानी कि -.80। उसके बाद हमारे पास 28 29 क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको पार्ट वन में करा दिया था। उसके बाद दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर का जो है हमारे पास आंसर आएगा 3 नंबर, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है 31 नंबर क्वेश्चन, जिसका कि आंसर हमारे पास 1 आएगा, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद दोस्तों 32 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास आएगा 4, यानी कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड 15 इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसके बाद दोस्तों जो 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। 35 भी मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। 36 का जो आंसर हमारे पास 4 नंबर आएगा, यानी कि बोथ को ब्रांडिंग एंड ड्यूअल ब्रांडिंग। 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में आएगा शॉपिंग गुड्स। उसके बाद 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था, नीट मार्केटिंग आएगा। उसके बाद दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 नंबर, द कंज्यूमर लैक्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्टरनेटिव फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स। उसके बाद दोस्तों 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा 4 नंबर, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद दोस्तों 41 नंबर जो क्वेश्चन है काफी लेंदी क्वेश्चन था, पढ़ने में ही काफी टाइम लग गया था, लेकिन इसके बाद भी जो आंसर बच्चे करके आए हैं और जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी कि 2 4 1 6 3 5। 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास है 3 नंबर, यानी कि 2 4 1 3। 43 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। यहाँ पे दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। 45 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारे पास आएगा इक्विटी शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड द फिक्स डिविडेंड रेट। उसके बाद दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। 47 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा दिया था। यहाँ पे दोस्तों जो 48 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा टोटल कैश आउटफ्लो। और 49 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा दूसरे नंबर पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू वॉल्टर द ऑप्टिमम पेआउट रेशियो फॉर अ ग्रोथ फ्रॉम इज 100%। उसके बाद दोस्तों 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा दूसरे नंबर पर, इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय टू लिंक विद देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट थ्रू स्पेसिफिक एक्टिविटीज फंक्शंस। उसके बाद दोस्तों 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। यहाँ पे दोस्तों 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, यानी कि assertion A and reasoning R both are correct and R is the correct explanation of A। 53 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास दूसरे नंबर पर जो दे रखा है 1 4 3 2, यही सही आंसर है। उसके बाद दोस्तों 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास 3 नंबर आएगा, यानी कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। 55 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। और 56 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा 1 नंबर, यानी कि ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। 58 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास में आएगा IFCI। और यहाँ पे दोस्तों 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा 2 नंबर, यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 60 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा 4 नंबर, टू गिव एवरीवन अ चांस टू indirectly own shares and security in large number of selected companies। उसके बाद दोस्तों 62 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास आएगा 4 नंबर, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स पर्टिकुलरली इन दो सर्कमस्टेंसेस इन विच बैंकिंग अकोमोडेशन इज इन एप्रोप्रिएट और रिसोर्स टू कैपिटल मार्केट इज इम्प्रैक्टिकल। उसके बाद दोस्तों 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद दोस्तों 64 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास आएगा 2, यानी कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में है अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर हमारे पास आएगा 3 नंबर, यानी कि 3 2 1 4। 66 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। 67 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास आएगा 2 नंबर, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। 68 नंबर पे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा 4 नंबर, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, वाई स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट।
69 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। यहाँ पे दोस्तों 70 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा चार नंबर पर। द बैंक डज नॉट एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। उसके बाद दोस्तों 71 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास आएगा ए, यानी कि पीरियोडिक कैश रिसीट प्लस कैपिटल गेन डिवाइड कर देंगे उसको परचेज प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी से। उसके बाद दोस्तों 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास एक नंबर आएगा, और 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारे पास आएगा कमर्शियल पेपर, यानी कि चौथा नंबर। उसके बाद दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास आएगा एक नंबर, यानी कि ए बी सी। और यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन जो है उसका भी आंसर हमारे पास एक नंबर ही आएगा, यानी कि ए बी डी। 76 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। यहाँ पे दोस्तों 77 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास चार नंबर आएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ऑल आर नॉट करेक्ट। उसके बाद दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर, जिसका कि आंसर हमारे पास आएगा चार नंबर, यानी कि एम आई एस। 79 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों इसका आंसर हमारे पास एक नंबर आएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। उसके बाद दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 80 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास एक नंबर आएगा, अर्ली अडोप्टर्स। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 81 नंबर का हमारे पास तीसरा नंबर आएगा, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एंड कंपनीज मार्केट शेयर। 82 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका दूसरा आंसर आएगा फंक्शनल डिस्काउंट। 83 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास एक नंबर आएगा, यानी कि 2, 3, 4, 1। 84 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर आएगा चार नंबर, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। और 85 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। 86 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवा दिया था। यहाँ पे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 87 नंबर क्वेश्चन, जिसका कि आंसर हमारे पास तीन नंबर आएगा। द कंपनसेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन विद सब्जेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल स्किल सेट्स एक्सरसाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका कि आंसर हमारे पास एक नंबर आएगा, यानी कि 4, 1, 3, 2। उसके बाद दोस्तों 89 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हमारे पास आंसर आएगा चार नंबर पे, यानी कि मॉरिशस। उसके बाद दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका कि आंसर आएगा एक नंबर पे, यानी कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका कि आंसर हमारे पास दूसरा नंबर पे आएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट 3 इज नोट करेक्ट। उसके बाद दोस्तों 93 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका आंसर हमारे पास आएगा तीन नंबर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। उसके बाद दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आएगा चार नंबर पर। द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाज अमेंडेड एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2005। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 95 से लेके 100 तक के क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट वन में करवा दिए थे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट की पेपर 2 के आंसर की कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही होगी, जैसे कि मैंने आपको कॉमर्स के आंसर की के पार्ट 1 में पूछा था पोल में। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रह पाया था, और काफी स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था। ऐसे में वो परसेंटेज फाइनली क्या आएगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हाल फिलहाल के लिए जो परसेंटेज चल रही है वो 60-40 की चल रही है। 60% लोग जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। 40% स्टूडेंट अभी भी हैं जो कह रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। अगर दोस्तों आप लोगों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, आपका आंसर किसे मैच नहीं करता है, तो भी दोस्तों आप लोगों को डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि ये आंसर की जो है वो फाइनल नहीं है। आंसर की जो फाइनली अपलोड की जाएगी सीबीएसई द्वारा, आप लोगों को उसी को ही फाइनल मानना है। मेरे चैनल द्वारा या किसी और चैनल द्वारा कोई भी आंसर की अपलोड कर दी जाती है तो वो आंसर की सिर्फ वो सिर्फ स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए होती है, ताकि वो थोड़ा बहुत अपनी परफॉर्मेंस को देख सके कि उसके आंसर की से कितने हद तक मैच करते हैं। अल्टीमेटली जो रिजल्ट में आप लोगों के काम आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल आएगी, जो कि एग्जाम होने के एक महीने के अंदर अंदर सीबीएसई द्वारा अपलोड कर दी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप उसका इंतजार कीजिए, उसके लिए भी नोटिफिकेशन आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप अपने आप को डिमोरलाइज ना कीजिए। अगर आपके आंसर की से नहीं मिलते हैं तो आप आगे के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप लोगों के मिल जाते हैं तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है ही। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको उस हो तो मैंने को सुना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी आंसर में चेंज लगता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, उस पर दोस्तों डिस्कस करके हम पिन कमेंट में लिख देंगे कि क्या आंसर में अभी तक चेंज हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।